भरने तक काम ही यही है, सोच कुछ नहीं करना कि हमारे माँ बाप दादा परदादा यही करते थे। फकीर उसको कहते हैं इस्लाम में जो अपनी कमाई तो करता हो मगर अखराजात पूरे ना कर, वो फकीर है इस्लाम की जुबान में। यानी बंदों के फकीर और हैं, अल्लाह के फकीर और हैं। ऐसा हो गया ना, तो फकीर उसे कहते हैं कि जो कमाता हो मगर अपने अखराजात पूरे ना कर सकता हूँ। तो उसकी बेटी ने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इन खानों के जायके से, बहुत तकलीफ हो रही है कि हम इनमें से कोई एक खाना भी बनाने की ताकत नहीं रखते। मजूसी ने यह बात सुनी तो इसने सारे खाने उनके घर भिजवाए जो बनते रहे, और साथ में पैसे भी भिजवाए कि मेरी तरफ से कबूल करें। तो जैसे ही वहाँ खाने पहुँचे, पैसे पहुँचे, तो उसके हक में दुआए खैर हुई कि परवरदिगार इसको पैगंबर खातमुन नबीयीन के साथ मशहूर फरमा, कि इसने गरीब नादार मोमिनीन मुसलमान की मदद की। इसने अगर आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी, इसको पता है कि मेरे साथ गरीब रहते हैं तो अपनी खुशी में शरीक किया है खाना खिलाकर। तो नबी आखर जमान उस वक्त एक सहाबी के ख्वाब में आए और कहा जाओ उस मजूसी को खबर दे दो कि आखरत में मेरे साथ होगा। वो परेशान कि जिसने कलमा तक नहीं पढ़ा वो खातमुल मुरसलीन के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन ख्वाब में बिशारत थी, हुक्म था, आया उसको बिशारत दी। उसने कहा जानते हो यह खुशखबरी मुझे क्यों मिली है? कहा इसलिए कि मैंने पैगंबर की उम्मत को राजी किया है तो परवरदिगार मुझ पे राजी हुआ है। तो अजीजा ने मन गुनाह से भागने की कोशिश तो करें, नेकियों की तरफ आने की रगबत तो रखें। मसलन अगर हमारे पास किसी मेहमान ने आना हो तो हम क्या कुछ करते हैं? कमरा ठीक करते हैं, अच्छा बिस्तर लगाते हैं उसके लिए, अच्छे बर्तन निकालते हैं, चाय के साथ लवाजमात, खाने में दो तीन चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं कि बेहतर खाना दिया जाए। और यही रगबत हम नमाज के लिए क्यों नहीं करते कि साफ कपड़े पहने? बिलफर्ज एक अमूमी जुमला है, अगर किसी को कहा जाए नमाज के लिए आओ कपड़े ख़राब हैं, कहा जाए किसी जगह जाना है फलां मकाम पे जाना है, ठहरो बदल के आया, अमूमी जुमला है, ठहरो बदल के आया, वजह क्या है? इसलिए कि नमाज को अहमियत नहीं दी, घूमने फिरने और खाने को अहमियत दी है। अगर नमाज के लिए अहमियत होती तो मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक हर काम नमाज के बाद होता। मासूमीन फरमाते हैं अपने सब काम नमाज के लिए छोड़ दो, फिर तुम्हारे काम जाने और आले मोहम्मद जाने। क्या वाह वाह, कयामत वाले दिन खूबसूरत औरत से पूछा जाएगा कि ए औरत आप गुनाह के लिए आमादा क्यों हुई? वो कहेगी इस खूबसूरती की वजह से। उसके सामने जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा को लाया जाएगा, कहा आप खूबसूरत हो या बेबी मरियम खूबसूरत है? कहा बेशक ये खूबसूरत है। कहा ये तो मैं गुनाह के लिए तैयार नहीं हुई, तन्हा भी थी, एक कमरे में रहती थी, घर से दूर थी, शादीशुदा भी नहीं थी, जवानी के लिए भी थी। इसी तरीके से मर्द को लाया जाएगा, क्यों हुए? कहा जवानी की ताकत दौलत और इस खूबसूरती की वजह से दिल चाहता था। जब वो कहेगा जवानी की ताकत दौलत की ताकत और इस जिस्म को खुश करने के लिए, नफ्स को राजी करने के लिए, इस हुस्न की वजह से मैं गुनाह की तरफ माइल होता था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके पास अख्तियार इनके अख्तियार से ज़्यादा था,
हुस्न ज्यादा था, दौलत ज्यादा थी, अख्तियार ज्यादा थे। कहा बेशक इनके पास हर आसाइश थी। अजीज मिस्र के महल में थे तो आसाइशें थी, खुद अजीज मिस्र बने तो अख्तियार थे। कहा फिर ये तो गुनाह के लिए आबादा नहीं हुए। ये तो गुनाह के लिए आमादा नहीं हुए, तो आप आमादा क्यों हो गए? इसी तरीके से नॉर्मल इंसान को, मर्द को लाया जाएगा, वो कहेगा बीवी बच्चे भूखे थे, घर वाले परेशान थे, मुआशी परेशानियां थी, इसलिए मैं गुनाहगार हुआ, गुनाहों के लिए आमादा हुआ। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा किया जाएगा, का इनसे भी ज्यादा आजमाइशों में थे। उनकी आजमाइशें थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज्यादा माल था, माल कसीर, ऊंट थे कई तादाद, घोड़े थे हजारों में, भेड़ बकरियां गाय भैंसें वो भी हजारों में, फसलें थी, बागात थे लातादाद, घर महलनुमा था। मगर अल्लाह ताला की तरफ से सारे जानवर मर गए, महल गिर गए, बीवी सिर्फ बाकी रह गई, बच्चे भी मकानों में दब गए, और खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम को कई तरह की बीमारियां लाहक हुई और महल्ले वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। मुख्तसर वजाहत दी है मैंने कि एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। कहा इनकी आजमाइशों से ज्यादा आप आजमाइश में थे कि आप गुनाह के लिए आमादा हुए। तो एक शख्स आलिम दीन नजफ में पढ़ने के लिए गए, तो वापस आने लगे तो अपने उस्ताद बुजुर्गवार से कहा मुझे नसीहत फरमाए। तो आलिम दीन ने फरमाया कि सिर्फ एक जुमला कहता हूं कि हमेशा याद रखना, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, जब भी कोई काम करना ये सोच लेना कि अल्लाह देख रहा है, इसके अलावा मेरे पास कोई नसीहत नहीं है। यानी पहले लिखा होता था दीवारों पर कि खबरदार अल्लाह देख रहा है, अभी लिखा होता है खबरदार कैमरे